या संस्था विषय पर कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, हमारी मर्यादा नहीं है वो। हमसे सिद्धांत पूछा जाता है तो हम कहते हैं, और सिद्धांत हमसे पूछा गया कि चमत्कार के बारे में आप कहिए, तो हमने कहा ऐसा कोई चमत्कार हमने नहीं देखा है और हम देखना चाहते हैं, और कोई दिखाना चाहे तो कई जगह अवसर है। हमने जोशीमठ का नाम लिया था कि वहाँ पे इस समय समस्या है, आए कोई दिखाए, तो कोई तो नहीं आया ना। हमने केवल बागेश्वर महाराज को थोड़े कहा था, जो मौलवी, जो पादरी, जो महात्मा, जो सन्यासी, जो तांत्रिक, जो मांत्रिक, जो भी चमत्कार का दावा कर रहे हैं, हमने तो सबको आमंत्रित किया था कि भैया आओ, हमारी समस्या दूर करो ना। आप मजमा लगाते हो, भीड़ इकट्ठी करते हो, बहुत अच्छा है। जो सामने होता है उसकी बुद्धि को चमत्कृत कर देते हो, वो सोच नहीं पाता कि ये कैसे हो गया। यहाँ तक तो आप करते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद लाभ क्या होता है? कितने लोग आपसे ठीक हो जाते हैं, कितने लोगों की समस्या दूर हो जाती है, कितने लोग मुकदमा जीत जाते हैं, कितने लोग कैंसर और दूसरे लीवर की समस्या, टीबी सबसे परेशान हैं, वो कितने दूर हो जाते हैं? वो उसका डाटा तो ये लोग कोई दिखाते नहीं है कि देखिए ये है, और प्रामाणिक डाटा, केवल कह देने से नहीं कि लाखों ठीक हो गए। किसको क्या स्टेज का था, क्या जांच कराई, फिर आपने कौन सी पद्धति अपनाई और फिर क्या हो गया, ऐसा एक प्रामाणिक डाटा इसके पास अगर इकट्ठा हो तो उसको दिखाएं, फिर हम लोग नए लोगों को लेकर के परीक्षण करें। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। अपने यहाँ कितनी बीमारी फैली हुई है, अस्पतालों में जाने पर बहुत लोगों की खेत जमीन और मकान बिक जा रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोग कुछ कर दें। अपने देश के खिलाफ कितने षड्यंत्र हो रहे हैं, लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हम ये मन की बात जान ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मन की बात जान, तो जो षड्यंत्र कर रहा है हमारे देश के खिलाफ, जो रेकी कर रहा है हमारे एयरपोर्ट पर कि इसको उड़ा देना है, आप उसके मन की बात क्यों नहीं जान लेते हो? जान के क्यों नहीं भारत की सरकार को बता देते? भारत को सरकार को कितना बड़ा फायदा होगा। जहाँ जहाँ आप ध्यान करो और बता दो कि ये व्यक्ति अमुक अमुक जगह पे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देखो कितना आनंद हो जाए। लेकिन इस बारे में नहीं बताते हैं। समस्या ये, चाचा का नाम क्या है, भतीजे का नाम क्या है, वो तो जानता ही है जिसका जिसके चाचा हैं। अपने चाचा का नाम कोई भूला हुआ है क्या? तो इसमें क्या रखा है आप बताओ? इसके कारण हमको अटपटा लगता है। हमारा कोई द्वेष नहीं है किसी से, अगर कोई सही विद्या लेके आए तो विद्वान का तो सम्मान है। जिसने भी परिश्रम किया है, साधना की है, चाहे किसी क्षेत्र में किया हो, कौन ऐसा दुष्ट व्यक्ति होगा जो साधना का, विद्या का सम्मान नहीं करेगा? हम भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम ऐसी मतलब हल्की बातों में नहीं जाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि लोग इसमें ना जाएं, क्योंकि इससे उनको कुछ उपलब्धि नहीं होती है, थोड़े दिन घूम फिर के फिर किसी और जगह पे भीड़ लगाने लगते हैं। सवाल यह है कि रामचरितमानस की प्रतियां उत्तर प्रदेश में जलाई जाती हैं, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और सब लोगों को ठीक से पकड़ा भी नहीं जाता है। उनको तुरंत पकड़ जाना चाहिए था, तुरंत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत उन उस बारे में चीज़ें होनी चाहिए थी। तो अब जला दिया, जला देने के बाद चल रहा है ऐसे ही वक्तव्य पे वक्तव्य। आप कई लोग हमसे कह रहे हैं फेसबुक पर कि शंकराचार्य जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई सवाल है कि शंकराचार्य जी के पास अख्तियार क्या है? हमारे पास पुलिस होती तो हम अभी तक जिन जिन लोगों ने माचिस जलाई है ना रामचरितमानस के विरुद्ध, हम अभी तक खड़ा कर देते, खड़ा कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें इस देश में नहीं फैलनी चाहिए। और ये राजनीतिज्ञ जो हैं, ये बहुमत कहते हैं कि बहुमत जिसके पास होगा वही होगा, तो अभी रामचरितमानस के बारे में सर्वे करवा लो देश में, बहुमत किसके पक्ष में, रामचरितमानस के विरोध में है कि पक्ष में है? 99% से ज़्यादा लोग रामचरितमानस के पक्ष में है इस देश में, फिर ये नगण्य 2-4-10 लोगों की बातों को चैनल वाले भी फैलाते हैं और उस पर चर्चा होती है, इनकी गिनती क्या है? रामचरितमानस ने इस देश में आज़ादी लाई है, रामचरितमानस पढ़ करके हमारे गुरुजी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, रामचरितमानस पढ़ के हम लोगों को पता चला कि वानर भालू भी चाह लें तो लंका के राजा रावण की से वो जला सकते हैं लंका को, और रावण को परास्त कर सकते हैं, समझे कि नहीं? तो रामचरितमानस पढ़ने से जो आम आदमी है उसके अंदर बल आता है। रामचरितमानस पढ़ के हमने इस देश को अपना जीवन समर्पित किया है, हमारे गुरुजी ने अपना जीवन समर्पित किया, हम लोग रामचरितमानस पढ़ के देश की सेवा में लगे हुए लोग हैं। रामचरितमानस का कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। उस ग्रंथ के बारे में एक अदना सा व्यक्ति कुछ भी कह देता है और लोग बस वक्तव्य देते हैं। क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ वो व्यक्ति, चाहे वो मंत्री था या पूर्व मंत्री था या कितना ही बड़ा आदमी है? रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जो कि अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, राष्ट्र में सबसे ज़्यादा इस समय
पढ़ा सुना कहा जाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस है, क्यों उसका अपमान करने वाले अभी तक खुले घूम रहे हैं? और खुले उनको आप घुमाओ और वक्तव्य हम दें, यह कैसे होगा? किस तरह की कार्रवाई? कड़ी कार्रवाई, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा देना चाहिए कि भाई धर्म ग्रंथ का अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है, अगर वो दोषी हैं उनको दंड करो, आपके कानून में जो भी दंड की व्यवस्था है वही कर दो। हम कहते हैं एक दिन की सजा करो, लेकिन सजा तो कर दो, सजा याफ्ता तो हो जाए, वो क्यों नहीं कर रहे हो आप, उसमें क्यों विलम्ब करते हो? अब मुकदमा भी पंजीत हो जाएगा तो 15 साल बाद फिर जब उनके विपक्ष में एक नेता खड़ा होगा तब फिर वो मुकदमा खुलेगा नेता नहीं खुलेगा, ये जो तरीका है इसके कारण सबका मन बढ़ा रहता है। ये तो ऐसा है ना कि जब ताल ठोंकी जाती है, जहाँ ऐसे ताल ठोंक दी जाती है, ताल ठोंकने का मतलब है कि लड़ाई होगी, और लड़ाई देखने के लिए बहुत लोगों को उत्सुकता रहती है, लोग लड़ाई देखना चाहते हैं, या तो प्रेम देखना चाहते हैं या तो लड़ाई। फिल्में दो ही कारणों से चलती हैं, या तो प्रेम दिखाया जाता है या तो लड़ाई दिखाई जाती है, तो लड़ाई में भी बहुत लोगों की रुचि होती है, तो उस रुचि को जागृत करते हैं ऐसे लोग ताल ठोंक ठोंक करके। ये कभी लड़ते नहीं हैं, देखिए ये केवल ताल ठोंकने वाले लोग हैं, चाहे इधर हों चाहे उधर हों, ये लोग लड़ाई कभी नहीं करेंगे, ये लोग केवल ताल ठोंकेंगे और खूब मंजमा इकट्ठा करेंगे, और खूब मंजमा इकट्ठा करने के बाद फिर अचानक दूसरी बात शुरू कर देंगे, जैसे जादूगर वो सड़क पे जो दिखाता है ना, हम लोगों ने बचपन में देखा, एक रुमाल को खड़ा कर देगा ऐसे लपेट करके, कहेगा अभी ये रुमाल चलेगी, अभी मोर चलेगा, अभी ये मोर का रूप धारण कर, और खूब देर तक करता रहेगा, और बीच बीच में कहेगा कि अब चलने वाली है, अब चलने वाली है, लेकिन चलेगी कभी नहीं, रुमाल चल ही नहीं सकती है, उसको तो दवाई बेचना है। तो जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे कहेगा कि ये वाली दवाई ले लो इससे ये ठीक हो जाएगा, और 10-20-50 लोगों को बेचा, फिर उठा लिया रुमाल चल दिए, ऐसा वाला मामला है। स्पीड न्यूज़ भारत।